अंतिम चिता की परिक्रमा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में ना जाने कितने धर्म शास्त्र हैं, उनमें से एक है गरुड़ पुराण। क्या आपको यह पता है कि गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मरणोत्तर जीवन के बारे में बताया गया है। पुनर्जन्म है, स्वर्ग नर्क है, तो सहज ही मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या होता है उस प्राणी के साथ जो मर जाते हैं और जिनकी काया को अग्नि के सुपुर्द कर दी जाती है। जी हाँ, आपके इन सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जो कभी टल नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि जो जीव इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु की तिथि और समय भी पहले से ही निश्चित होती है। यह जन्म मरण का चक्कर अनंत समय तक चलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको उसके अपने शरीर और उससे जुड़े चीजों में बड़ी अशक्ति, बड़ी मोह माया सताते रहती है जो उसे लगातार बेचैन करते रहती है। आइए अब हम आपको बताते हैं, लोग जब अपने किसी मृत परिजन को शमशान में अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो उस मृतात्मा के भटकाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद भी प्राणी का अपना शरीर के प्रति मोह कम नहीं होता। वे अपने शरीर में जाने का भरपूर प्रयत्न करते रहती है तब तक जब तक वह शरीर पड़ा होता है। इसलिए उसके शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार के पहले उसकी परिक्रमा की जाती है जो आदर और श्रद्धा का प्रतीक भी होता है। फिर धार्मिक कर्म कांडों और विधि विधान के साथ उसके शरीर को अग्नि देव के हवाले कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उसके परिजन उसे छोड़कर बिना पीछे मुड़कर उसको देखे बिना अपने घर वापस चले आते हैं और यह उस आत्मा को संदेश दिया जाता है कि उसके परिजनों को अब उनसे कोई संबंध नहीं रहा। और ऐसी मान्यता है कि वो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की अनंत यात्रा पर चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।